नमस्कार, मैं श्रीमय दास, कक्षा 5वीं की छात्रा। आज मैं सबको कोविड-19 के बारे में बताऊंगी। आज का चर्चा का विषय है कोविड-19। एक छोटे से शहर चीन के वुहान से शुरू हुआ ये बीमारी आज पूरे विश्व में महामारी का रूप ले लिया है। ना जाने कितने अनगिनत जिंदगियां बेसमय ही निगल लिया ये महामारी। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से संवेदना। आप ये चर्चा सुन रहे हैं तो स्वस्थ हैं। आशा करूंगी आप स्वस्थ रहें। क्या है ये वायरस? कोरोना असल में वायरसों का एक बड़ा समूह है जो जानवरों में आम है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्य तक पहुंच जाता है। नया चीनी कोरोना वायरस सार्स वायरस की तरह है। कोई भी इसे संक्रमित होता है तो उसे बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहाना, कंजक्टिवाइटिस, दस्त और गले में खराश जैसी समस्या हो जाती है। ये निमोनिया का कारण भी बन सकता है। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयां दी जा सकती है। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित हो चुका है कई देशों में। 2021 के शुरू से इसका टीकाकरण भी शुरू हो गया है। क्या है इससे बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू है के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। मास्क सबको पहनना है। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है, दस्त है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें? सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें। घर में मेहमान ना बुलाएं। घर का सामान किसी और से मंगवाएं। अगर निकलना पड़े तो सभी नियमों का पालन अवश्य करें। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगह पर ना जाए। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज्यादा सतर्कता बरते। अगल कमरे में रहें और साझा रसोई बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है। अतः भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन के भी उपयोग कर सकते हैं। नियमानुसार टीकाकरण अवश्य करें। घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।